दिक्कत हो रहा है सर? इनफैक्ट ये लास्ट कुछ दिन से हम लोग को काम करने नहीं दे रहा था, यहाँ में एक लोकल आदमी ने यहाँ करने नहीं देगा बोल के प्रॉब्लम दे रहा था। देन लास्ट टाइम में सीएस का इंस्पेक्शन में क्लियर स्टैंड कर लिया है कि एडमिनिस्ट्रेशन और तालो पोटुम को कि क्या इशू है, इमीडिएटली रिजोल्व करो। तो इसीलिए आज फाइनली पोटुम साहब ने डिसीजन दे दिया कि आज शुरू करना है। देन मालिक भी आया था, हम लोग काफ़ी कन्विंस किया है, एग्रीड भी हो गया, आज से शुरू हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सर बाकी वर्क प्रोग्रेस कैसा है सर? वो आपका खास करके वो बैंक नाली का जो अंडरपास का अंडरपास और बाकी एक अपडेट थोड़ा सा लोगों को जानने का। अभी लगा हुआ है मेरा का एफसी में ये मार्च तक तो मेरा निकल जाएगा। एफसी का साथ साथ में मेरा WBM भी हो जाएगा, GSB भी हो जाएगा। कालवाट में स्ट्रक्चर में थोड़ा कमियाँ पड़ रहा है, उस पर भी काफ़ी प्रेशर दबाव डाल के रखा हुआ है। एंड देन तालो पोटुम साहब भी CS के ऑन बिहाफ में लगा हुआ है और बाकी वो लोग भी उसी दिशा में जा रहा है। अंडरपास का काम जो है एक साइड से हो रहा है सर, वो कितना समय लगेगा? अंडरपास में थोड़ा सा काफ़ी टेक्निकल इशू है, वन साइड का तो चालू कर दिया है, अदर एंड का चालू होगा तो ट्रैफिक का भी थोड़ा बंद करना पड़ेगा। लेकिन वॉक प्रोग्राम वो आजकल में सबमिट करेगा होगा, तो जब सबमिट करता है ट्रैफिक प्लान का साथ में लेके DC या तालो पोटुम हम लोग का कमिश्नर लेवल में रिव्यू करेगा, टेकअप करेगा, डाइवर्ट करना ही पड़ेगा, कोई बहानाबाजी नहीं चलेगा। पोटुम साहब आप सुबह से यहाँ पर है, आज सुबह 7-8 बजे से यहाँ बैठे हुआ है, तो इशू ऑलमोस्ट रिजोल्व हो गया? हाँ बिल्कुल, हाँ शुरू में उन लोगों ने आया था, बहुत रेजिस्ट किया वो कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए, क्योंकि उनको कॉम्पेंसेशन की ज़रूरत था, कॉम्पेंसेशन उनको चाहिए था। तो सुबह में पुलिस फोर्स हमने 80 के लोग रिक्वेशन प्लेस किया था, लेकिन उन लोगों ने 17 पुलिस पर्सनल दिया। तो बाद में हमने कॉन्टेक्ट करके ईटानगर और नाहरलगन दोनों से पुलिस मांगा कि हमने अपना स्ट्रेंथ को दिखाया, और बाद में बहुत बातचीत करने का बाद वो जो लोग यहाँ रजिस्ट कर रहे थे तो उनका साथ में हमारा हाईवे का इंजीनियर और हम लोग सभी मिल के इशू को रिजोल्व कर दिया। अभी पीसफुली कंस्ट्रक्शन चलना चाहिए, लेकिन उनको छोड़ के दूसरा कोई आदमी भी डिस्टर्ब दे सकता है, इसलिए हमारा यहाँ पुलिस फोर्स जो डिप्लॉयमेंट इंटायर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में एरिया लेंथ में हमारा डिप्लॉयमेंट रहेगा और 24/7 हमारा इसका जो देखभाल करने का जो आदेश दिया है वो पालन किया जाएगा।